नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। डोरंडा गावा मुख्य मार्ग स्थित गोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के फुलवार घाटी में ऑटो और बोलेरो में हुए जोरदार टक्कर में एक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर से शुक्रवार देर शाम को झारखंड धाम पूजा करने दर्जनों ऑटो और ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों से लोग पहुंचे थे, जहां लोग श्रद्धा भक्ति के साथ सुबह पूजा कर पुनः अपने अपने घर के लिए लौट रहे थे। इसी क्रम में सुबह करीब 10:30 बजे धनवार तथा तीसरी सीमा पर स्थित गोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के फुलवार घाटी चढ़ने के क्रम में अनियंत्रित होकर पीछे की ओर लुढ़कने लगी। इसी क्रम में पीछे से आ रही बोलेरो ने ऑटो को जोरदार तरीके से ठोकर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई और उसमें सवार लगभग 6 से 7 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें लगभग 55 वर्षीय कुलदीप कुशवाहा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जबकि अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार कर भेज दिया गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।